Morning students, today we are going to start the reading of chapter number 12, Religious Festival, Dharmik Tyohar. Festivals bring joy and happiness to us. त्यौहार हमारे लिए आनंद, joy means आनंद और happiness means खुशी लेकर आते हैं. We celebrate many festivals. हम कई त्यौहार मनाते हैं, celebrate करते हैं. Diwali is the festival of lights. दिवाली रोशनी का त्यौहार है. It is celebrated all over India. ये पूरे भारत में मनाया जाता है. People decorate their houses with lamps and diyas. लोग अपने घरों को दीपों और लैम्प्स से सजाते हैं. Did you know? दिवाली is also known as दीपावली. दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है. Next page. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्यौहार है. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद कलर्स वेरी मच. बच्चों को रंगों से खेलना बहुत पसंद है. इट कम्स इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च. होली का त्यौहार जो है वो फरवरी या मार्च में आता है. ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. ईद मुसलमानों का त्यौहार है. दे गो टू द मॉस्क टू ऑफर नमाज. वह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं. पीपल ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक. लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर बधाई देते हैं. नेक्स्ट पेज. गुरपुरब इज़ द फेस्टिवल ऑफ द सिक्स. गुरपुरब सिखों का त्यौहार है. पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर्स. लोग प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारों में जाते हैं. क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर. 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल गो टू द चर्च फॉर प्रेयर्स. और लोग प्रेयर करने के लिए चर्च में जाते हैं. थैंक्स स्टूडेंट्स एंड रिवाइज दिस चैप्टर.